कला भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है। भारतीय कला और उनसे जुड़ी कृतियाँ पारंपरिक और साधारण होने के साथ साथ इतनी सजीव और प्रभावशाली है कि उनसे देश की समृद्ध और गौरवशाली परंपराओं का खुद ही अनुमान हो जाता है। इसी विरासत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हाल ही में 73वां श्री राम शंकरलाल म्यूजिक फेस्टिवल 2020 का आयोजन दिल्ली में किया गया। 73वां श्री राम शंकरलाल म्यूजिक फेस्टिवल 2020। इस कार्यक्रम का आगाज हुआ सुर लय ताल से। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय विरासत को मनाने के लिए 73वां संगीत समारोह बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रीराम भारतीय कला केंद्र भारतीय सांस्कृतिक संस्थान है जो नई दिल्ली में संगीत नृत्य और प्रदर्शन कला के लिए सन 1952 से कार्यरत है। एक के बाद एक बेमिसाल प्रस्तुतियों ने दर्शकों का दिल बाग बाग कर दिया। पद्मश्री पुरस्कार सरोद वादक अमजद अली खान ने 73वें संस्करण में युवा कलाकारों के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया। शास्त्रीय संगीत गाने से या बजाने से या सीखने से मन पवित्र हो जाता है। इट इज़ ए प्यूरिफिकेशन ऑफ आवर लाइफ। मैंने ये पूरी जिंदगी इसी का साधना किया है। भगवान का नाम जैसा है शास्त्रीय संगीत भी ऐसा है। ये तो पूरा संदेश है जो सीखना चाहते हैं। संगीत को फैलाइए, शास्त्रीय संगीत, ये भगवान को, ये सोच लीजिए कि उपासना है, ये इबादत है, ये पूजा है। इबादत तो सब लोग करते हैं, तो संगीत जो सीखने वाले हैं, छात्र छात्राएं हैं जो सीखना चाहते हैं, जो सुनते हैं, उन लोगों का भी मन शांत होता है। खुशी की बात है कि ये शंकरलाल फेस्टिवल हो रहा है और ये दिल्ली शहर का बहुत पुराना फेस्टिवल है जो बड़े बड़े कलाकार इसमें हमेशा से आते रहे और भारतीय कला केंद्र इसको ऑर्गेनाइज करता है और यहाँ हिंदुस्तान के सारे ही कलाकार इस फेस्टिवल में हाजिरी देना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं। इस साल बहुत सारे यंग कलाकार, बहुत टैलेंटेड लोग इस साल भी बजाए हैं। म्यूजिक इज द नेम, म्यूजिक इज ए सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ और हमारे देश में कहते हैं स्वर ही ईश्वर है। बड़े खुशी की बात है कि ये इतना बड़ा पुराना फेस्टिवल और उसमें इतने अच्छे कलाकार का लाइनअप है। मैं बहुत खुश हूँ। दिल्ली की ऑडियंस बड़ी प्यारी ऑडियंस है और आप देख रहे हैं कि ये खुले में ये प्रोग्राम होता है कि ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है
और बहुत दिनों से संगीत की सेवा करते आ रहे हैं सभी कलाकार, और यह जो श्री राम भारती कला केंद्र की तरफ से जो शंकरलाल फेस्टिवल हो रहा है, श्री राम शंकरलाल फेस्टिवल हमारे दिल्ली का एक बहुत ही सम्मानित और बड़ा फेस्टिवल है, और श्री राम भारतीय कला केंद्र का और श्रीमती शोभा दीपक सिंह जी का दिल्ली में एक शास्त्रीय संगीत का एक माहौल बनाने में जो बड़ा योगदान है, उसको वो भी बहुत सराहनीय है। और इस फेस्टिवल में जैसा कि आप देखते हैं, हमेशा ही देश के मूर्धन्य और नामी गिरामी कलाकार इसमें भाग लेते हैं, तो ख़ास तौर से संगीत के विद्यार्थियों को और संगीत प्रेमियों को ये उनको रूबरू सुनने का, सामने सुनने का ये बहुत अच्छा मौका होता है, और उसमें बहुत सारी विद्यार्थियों के हिसाब से बहुत सारे राग उनको ऐसे इस फेस्टिवल में सुनने को मिलते हैं जो रेयर होते जा रहे हैं। श्री राम शंकरलाल म्यूज़िक फेस्टिवल हो रहा है, वो लगातार पिछले 73 वर्षों से हो रहा है। इसका जो मेन कारण इसकी सक्सेस का है कि तब से लेकर आज तक जितने भी कलाकारों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, शायद जितने भी भारतीय इस कंट्री में जितने भी कलाकार हैं उन सब ने इसमें ज़रूर गाया है, बजाया है। मेरा यही है कि कला सब तक पहुँचे, इतना खुशी आनंद संगीत से मिल सकता है वो किसी और विद्या से नहीं मिल सकता, क्योंकि संगीत में एक ऐसी गहराई है जो इंसान को खींच लेती है।